आज आप लोग का टेस्ट है, क्वेश्चन आपका प्रिंट होके आ रहा है ना, तो प्रिंट होने में 10 मिनट का टाइम है। तब तक हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग समझ लेते हैं कि टेस्ट का क्या पैटर्न है। नहीं, 50 क्वेश्चन है पॉलिटी के। पॉलिटी जो पिछले वीक पढ़ाए गए वो बेसिक पर्पस ये नहीं था कि आप पीटी में क्वेश्चन कैसे कर पाते हैं। बेसिक पर्पस ये था कि जो लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं, जिसको समझते हैं कि पॉलिटी की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब है, ये किताब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन यह पीटी के पर्सपेक्टिव से। जब मेन परीक्षा में आप आएंगे तो आपको इस किताब के साथ जोड़ना पड़ेगा समाचार पत्र को। तो हम पिछला 1.5 वीक से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक तो आप समझते हैं कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, उसकी किताब भी संजोग से मार्केट में है, रवि पी अग्रहरी किताब है, वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड साइंस की बात करता है। लेकिन पॉलिटी में संजोग से हमारे पास कोई ऐसा बुक नहीं है जो एप्लीकेशन या न्यूज़पेपर से जोड़ के लगातार करे, वो बुक बन भी नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता? पॉलिटी हमेशा बदल जाता है। इकोनॉमी में भी किताब निकालना मुश्किल है। एक विवेक जी हैं जो कि लिखे हैं एक किताब, बढ़िया किताब है, वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड किताब है, लेकिन वो 2021 का है। एक और बुक है श्रीराम आईएएस, वो भी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन वो भी किताब उससे पुरानी 2021 की है। 2021 के सेकेंड हाफ का है, वो 2021 के फर्स्ट हाफ का है, और आप चल रहे हैं 2023 में। तो पॉलिटी और इकोनॉमी में कोई रास्ता बचता है अपने पास? कोई रास्ता नहीं है। खाली पीटी परीक्षा तो निकालना नहीं है, पॉलिटी का पीटी सबसे आसान है, इकोनॉमिक्स का भी पीटी बहुत आसान है। पॉलिटी के जो पीटी परीक्षा में, प्रिलिमिनरी परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में, पॉलिटी में गलत करना मुश्किल है, सही करना मुश्किल नहीं है। क्या करना मुश्किल है? गलत करना मुश्किल है, इतना आसान है। सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। आप देखिएगा, बहुत कम पॉलिटी पढ़िएगा, पतली किताब पॉलिटी का पढ़ लीजिएगा, एकदम पतली, फिर भी आपको अगर 15 क्वेश्चन दिया जाए तो सभी सब्जेक्ट का, तो सबसे ज्यादा सही होने की संभावना पॉलिटी में होगा। देखा आपने कि नहीं? बहुत आसान है। इकोनॉमी में भी अगर आपने बेसिक ढंग से भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स को, एकदम बेसिक, कौन सी किताब बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमी, एनसीईआरटी, पतली सी किताब, क्लास 12 का। मैक्रो इकोनॉमी एनसीईआरटी पतली सी किताब को दूसरे ऑथर भी लिखे हैं, एक वीके ओहरी करके, वो भी किताब पढ़ लीजिए अगर, या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ढंग से, तो इकोनॉमी का क्वेश्चन करना आसान है। और इकोनॉमिक्स का मतलब कि कंसेप्ट का, सप्लाई डिमांड थ्योरी पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, मार्केट के बारे में, बैंकिंग के बारे में, नॉर्मल रेपो रेट क्या, ये सब जो सिंपल क्वेश्चन 3-4 आते हैं इकोनॉमिक्स के, वो तो आसान हो ही जाता है। इकोनॉमी में फिर आपको खाली मैगजीन भी पढ़ लीजिएगा तब भी हो जाएगा, न्यूज पेपर तो छोड़ ही दीजिए। तो क्या हम बताना चाह रहे हैं कि जिसको पॉलिटी और इकोनॉमी को लेकर लोग बोलते हैं कि वो मेंस में डिफिकल्ट है, कहां डिफिकल्ट है? मुख्य परीक्षा में, वहां आपको जोड़ना पड़ जाता है। तो अभी हम ये मुश्किल काम है हालांकि कि आपको पॉलिटी का डायनेमिक एस्पेक्ट का क्वेश्चंस का डिस्कस करवाएं और आप लोगों को सही में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, क्योंकि ये कोई करवाता नहीं है। बात समझ गए? जैसे मान लिया कि क्वेश्चन पूछ दिया आज के समय में, क्या इंपॉर्टेंट है? महुआ मैत्रा को सदन से निष्कासित किया गया, यही ना है अभी पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी।
पार्लियामेंट्री न्यूट्रलिटी, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में न्यूट्रलिटी और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इन सबों को जोड़ के अगर क्वेश्चन बनाया जाए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोल ऑफ स्पीकर, रोल ऑफ स्पीकर, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें क्या लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हमारे काम में आएगा? नहीं आएगा। क्वेश्चन बना देते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो स्पीकर का जो रोल है, इट इज ऑलवेज कमिंग अंडर कॉन्ट्राडिक्शन, हमेशा विरोधाभास में आता है। सिंस पार्लियामेंट इज फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंस, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज डिनाइड। क्योंकि पार्लियामेंट पुराने चीजों को लेके आगे बढ़ता है, इसीलिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत जो है का हनन हो जाता है। हाउ, कैसे? क्वेश्चन मुहिया मित्रा नहीं है, क्वेश्चन कहां है? कॉन्टेक्स्ट है। आपको क्वेश्चन के आंसर में मुहिया मित्रा का केस नहीं लिखना है, लास्ट में या बीच में एक लाइन आप मुहिया मित्रा लिख दीजिए, बहुत है, मोर देन दैट प्रीवियस डिसाइडेड कोर्ट केसेज भी है। बात समझ गए? क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए आपको हमेशा अप्रिशिएट करना है, जब पॉलिटी पढ़ाया जाए तो इसको क्वेश्चन कैसे आएगा आपका जोड़ के आज के कॉन्टेक्स्ट से, समझ गए? पढ़ाया जाएगा यहां अब नॉर्मल पॉलिटी ही, जो लक्ष्मीकांत वही पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन पिछला हफ्ता जो पॉलिटी आपको पढ़ाए उसका बेसिक पर्सपेक्टिव ये था कि आप अप्रिशिएट कर पाए कि लक्ष्मीकांत इज नॉट द अल्टीमेट, समझ गए? क्योंकि खाली पीटी निकालना नहीं है, निकालना मुख्य परीक्षा है, और जो मुख्य परीक्षा निकालने की कैपेसिटी में आता है वही इंटरव्यू निकालने की कैपेसिटी में आगे बढ़ता है। क्योंकि पीटी क्या है, प्रिलिमिनरी क्या है, आयरन गेट है, नो डाउट, बहुत मुश्किल गेट है, लेकिन ये सिर्फ इलिमिनेशन है। क्या है? इलिमिनेशन है, ये सिर्फ फाउंडेशन है। ये क्या आप फाउंडेशनल स्टेज क्लियर करते हैं कि नहीं? फाउंडेशन ही डिफिकल्ट है। तो हमें लगता है कि पिछला वीक जो पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो चैप्टर चला था उसको थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करेंगे, नहीं? अभी हम और दूसरी बात करेंगे कि जो हम जीएस में पढ़ाए, जैसे मान लिया कि एलिफेंट के बारे में पढ़ा, नहीं, कहां से पढ़ना था आपको? आपकी किताब है पीएमएफ का, वहां एलिफेंट का, एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर कहां या एलिफेंट कहां, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या हम बात किए होंगे जम्मू कश्मीर का, हमने बोला स्टेट इन फोकस जम्मू कश्मीर को रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको जम्मू कश्मीर के जितने भी पासेज है वो भी देखना होगा, जितनी नदियां हैं वो भी देखनी होगी, और सिर्फ जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन नहीं आएगा, उत्तराखंड भी तो पढ़े थे साथ में, तो हो सकता है उसी क्वेश्चन का आधा पार्ट जम्मू कश्मीर का हो और आधा पार्ट उत्तराखंड का हो, ये भी हो सकता है। जैसे मान लिया आपने इंडो बर्मा वार पढ़ा था, नहीं, और साथ में हमने जिक्र क्या किया था, ओपीएम वार का किया था, भारत नेपाल के बारे में, इंडो जो एंग्लो नेपाल जो युद्ध हुआ है, सुगौली ट्रीटी भी बात किया होगा, क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। COP28 के बारे में बात किया था, चैप्टर भी बताया था कि चैप्टर 19 है, क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है, समझ रहे? तो क्वेश्चंस का फ्लो जो है आपको मिलेंगे वर्सेटाइल रेंज से। कहने का मतलब है कि आप घर जाके यहां के पढ़ाई को किस तरीके से पढ़ते हैं उस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेगा। हालांकि हम बात किए होंगे मान लिया पार्लियामेंट के बारे में, लेकिन क्या उसके अंतर्गत में हमेशा रिट पिटीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं? कहीं भी होता है, वो भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्वेश्चन का आप देखिएगा, 100 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा वो तो आपको पता ही है।
और CDRX करना है। जैसे मान लिया, मैं क्वेश्चन निकाल ही देता हूं, अगर निकल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर वन है, जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, जैसे कि आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान के भाग पांच के अनुच्छेद में 79 से 122 संसद से संबंधित है, आपको लग रहा है कि ये सही स्टेटमेंट, तभी टिक लगाइए इसको कि हाँ ये सही है, मान लग रहा, हम नहीं जानते क्या सही है कि नहीं, आप अभी सही लगाइए। भारत की संसद के तीन भाग है, राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद, जनता का सदन। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, एंड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। ठीक है, लगता है मान लिया कि यह भी सही है। भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है और इसकी बैठक में भाग लेने के लिए संसद में बैठता है, इसीलिए वह संसद का अभिन्न अंग है, मान लिया ये भी सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग नहीं है, मान लिया ये भी सही है, मान लिया। हम एक बात कर रहे हैं, अब आपको देखना है कि 1, 2, 3, 4 सही है कि नहीं, तो आप इसको केवल चार खोजेंगे, केवल चार खोज रहे, यू आर कॉन्फिडेंट, ये चारों आपने टिक लगा लिया, तो यहां लिखिए कॉन्फिडेंट। ठीक है, बात समझ गए, तो आप खाली खोज रहे हैं केवल चार, तो आप कॉन्फिडेंट है, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट, इतना तो लिखने का टाइम नहीं है, कॉन्फिडेंट लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। अगर मान लिया कि कोई एक स्टेटमेंट के बारे में आपको डाउट हो रहा है, तब आपको खोजना पड़ेगा किसको इलिमिनेट करें। जब आप इलिमिनेशन प्रोसेस में जा रहे हैं और आप इलिमिनेट करके दो को तो कर देते, दो में फंस जाते हैं थोड़ा देर के लिए भी, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी, अगर दो में फंस रहे हैं कितना देर के लिए, 1 सेकेंड बहुत हो गया, 1/4 सेकेंड के लिए भी फंस रहे हैं, तो आपका हो जाएगा डाउट। ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की जो पहचान है, यही आपको एग्जाम निकालेगा, समझ गए। क्या आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड माइंड को, रिफ्लेक्स एक्शन को समझ पाते हैं कि नहीं, यही आपका ब्यूरोक्रेसी का इलिमिनेशन है, बात समझ गए। क्योंकि ऑफिसर्स को क्या होता है, इंस्टेंटेनियस माइंड का एप्लीकेशन करना होता, नहीं करना होता कि नहीं करना होता, इंस्टेंटेनियस, टाइम नहीं है, वाक्य का बुलेट चला किसी भी आदमी का और आपको तुरंत सोचना है, मुंह बंद करना है कि खोलना है, कि कितना खोलना है, या उधर देखना नहीं है, हमने सुना ही नहीं, यही ना होता है, दिस हैपेंस। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डिसीजन आपको लेना पड़ता है, यही सी और डी का जो बीच है, यही आपको एग्जाम निकालेगा, समझ गए। कॉन्फिडेंट में आपको आंसर खोजने में हार्डली टाइम लगेगा 30 सेकेंड, लेकिन जब डी में आएंगे तो लग सकता है आपको 55 सेकेंड, बात समझ गए, और आर में लग जाएगा मोर देन 1 मिनट, और एक्स तो आपको 1.3 मिनट, 90 सेकेंड, 60 सेकेंड हो जाएगा या 90 सेकेंड हो जाएगा एक्स। आप देखते जिनको नहीं आता रहता है वो बेचारे का क्वेश्चन छूटता रहता है, सही बात है कि नहीं। इस बार बिहार पब्लिक सर्विस का मिशन तो ऑफिसर का और बड़ा टेस्ट ले लिया, 150 क्वेश्चन थे, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट कहां तक पहुंचे, 110 तक,
जब उनसे मैंने पूछा, मेरे स्टूडेंट थे, कि भाई कॉन्फिडेंट कितने हो, तो बोलता है कि सर 74 पर है। हम बोले चलो 74 का हम 80% लगाते हैं, क्या यही में लगाएंगे? 8 से 56 और 4 8 32, तो 56 और 3 59, 59.2 यहां आ गया बेटा तुम्हारा। बचा कितना? 26 और 10 36। 36 में तुम बहुत तेज हो तो तुम 18 लाओगे, यही ना लाओगे 50%। यही मानेंगे, ज्यादा हो तो खराब हो तो और भी कम। तो तुम कितना पे आ रहे हो? तो भाई 0.2, 9 8 17 77.2। हमको डाउट लग रहा है तुम पे, क्या लग रहा है हमको? डाउट लग रहा, तुम्हारा होने का उम्मीद हमको नहीं दिख रहा है। क्यों ऐसा हुआ? सर बहुत टाइम लग गया, 4-4 लाइन का सेंटेंस था। हम बोले 4 लाइन से प्रॉब्लम नहीं था, तुम हमारा CDRX नहीं किया था। अगर यहां रेगुलर CDRX करके गए होते, कि तुम लोग करते नहीं हो, अपने जिद में रहते हो, तो सी वाला क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड, कितना होता है 30 सेकेंड, तो आप तो आराम से निकल जाते। नहीं, सी में जाते जैसे सी का तुम्हारा अगर 74 है, इसको बढ़ा लो भाई 100 के करीब में, क्या होना चाहिए? 100 सी अगर होता तो आधा मिनट, तो कितना मिनट में आता है? 50 मिनट में। अब बचा कितना? 50 क्वेश्चन, इतना ही नहीं बचा ना। 50 क्वेश्चन में मान लिया कि तुम्हारा 30 डी है, चलो लेस देन 1 मिनट होता है, फिर भी चलो 30 मिनट, 80 मिनट, यही ना कहानी है। और तुम्हारा जो है, तुम्हारा 100 और 50, ये आपका 30 130, और 20 को जो है तुम्हारा मान लिया 20 मिनट, फिर भी तुम 20 मिनट पहले एग्जाम निकाल कर सकते थे, और तुम मात्र 1 घंटा से पहले में अपना सिलेक्शन ले सकते थे। क्या समझ रहे हैं बात को? यही UPSC है। आपका सिलेक्शन 1 घंटा में होता है, आपका सिलेक्शन 2 घंटा में नहीं होता है। बात समझ गए? फर्स्ट राउंड में अगर आपने 64 सी कर लिया तो आपका सिलेक्शन है। कितना सही करना है? 64 फर्स्ट राउंड में। हार्डली जाएगा UPSC का, 15 से डर भी लगेगा तो 40 से 45 मिनट, क्या फर्स्ट राउंड में आपका सी जाना चाहिए। और सी में टाइम लगता है ज्यादा? नहीं लगता, बस जाने नहीं जाने, चाहे 4 स्टेटमेंट ही क्यों ना हो, आप तुरंत स्टेटमेंट को सही करते हो चाहे गलत करते हो। दिक्कत तो वहां होता है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है, इसमें फंस गए। क्यों फंसते हो आप बताइए, क्यों फंसते हैं? क्योंकि आपका जो नोट्स है रीराइट नहीं किया हुआ है। आपका नोट्स जो है क्या हुआ है? रीराइट नहीं हुआ है। पहली बार तो आप उतार लेते हो, लेकिन दूसरी बार जब टफ क्वेश्चन आता है तो रीराइट नहीं हुआ रहता है। रीराइट करने समय भी आप खाली उतना ही उतारोगे तो नहीं काम चलेगा। मान लिया हमने बंदर पूछ पूछ लिया, क्या पूछ लिया? बंदर पूछ। आपको याद ही नहीं आ रहा बंदर पूछ कहां पर है। अब आप धर्वाधार, उत्तरकाशी, बंदरपूछ, यमुनोत्री, हेमकुंड, गुरु गोविंद सिंह की स्थली, ये सब पढ़ लो ना। गड़बड़ होगा बंदरपूछ में? कभी नहीं होगा। तुम श्रीवर भी पढ़ लो। बात समझ गए कि नहीं? मान लिया हमने क्विंग डायनेस्टी देख दिया, तो क्विंग डायनेस्टी किस ईयर में कब है, और चाइना और जापान का युद्ध कब हुआ, इसमें जापान कैसे जीता, क्लियर है ना? जो क्वेश्चन गलत हो तो घर जाके क्या करना होगा? रीराइट करना होगा। और रीराइट में
जगह ज्यादा चाहिए, क्यों जगह ज्यादा चाहिए, चौथाई में भी जगह चाहिए, ऊपर नीचे चारों बगल जगह चाहिए, अब पीछे के पेज में जगह चाहिए। तो आप लोग क्या है, हम लोग हैं क्या, वी आर वर्चुअली वेरी इंटेलिजेंट, वाई बिकॉज वी आर लेजी। अगर हम आलसी ना होते तो हम टेक्नोलॉजी भी ना लाते। आप एक पेज वहां नया लगाने के चक्कर में नहीं लिखोगे, कौन धागा खोलने जाए, कौन पेज लाने जाए, कहां से पेज लाएंगे, उठना पड़ेगा भाई, और एक A4 साइज पेपर लाने के चक्कर में आप उसी में कुछ करना शुरू कर दोगे क्या, इतने में काम चल जाएगा, बाद में हमको याद आ जाएगा। बहुत दिमाग वाले आदमी है ना, होता है कि नहीं होता है, रीराइट करने में आप पेज लाने उठते हो, नहीं उठते हो, क्योंकि हम महान आलसी हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ भी है, हमारा वीकनेस भी है। तो हम पेज नहीं लाने के चक्कर में बंदर पूछ वाला क्वेश्चन गलत हुआ तो हेमकुंड नहीं लिखोगे, पूछ नहीं लिखोगे, पढ़ने नहीं जाओगे, अगर ठीक है बाद में देख लेंगे, प्रोकास्टिनेशन करोगे। ये प्रोकास्टिनेशन महंगा पड़ता है कि नहीं एग्जाम के टाइम में, अब आएगा फिर दूसरा बार क्वेश्चन, वहां पर तुमने प्रोकास्टिनेशन किया, भूल गए, तुमने सोचा याद रखेंगे, लिख के भी भूलता है आदमी, जब लिख के भूलता है तो लिखना और जरूरी है ना, समझ गए ना, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं जब लिखो पीछे का पेज खाली रखो, बहुत खराब होगा, गलती होगा, बगल लगा चौथाई सब जगह है, तुम लिख लोगे वहां पर, क्वेश्चन तो गलत आएगा, होगा कभी ना कभी, नहीं होगा, होगा ये, जब गलत होगा तो इसको लिख लेना। तो आपको समझ में आ गया है कि CDRX करने से क्या फायदा है। आप लोग सभी लोग ऐप में जुड़ गए हैं, है ना, हम फिर भी इसको हम एक बार ऐप का आइडिया दे देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, डाल देंगे, ताकि हमारे कुछ बच्चे जो हैं बहुत जुनूनी हैं, पैशनेट हैं, इतने जुनूनी हैं कि अपने दिमाग के आगे दूसरे का दिमाग की बात सोचते ही नहीं है, है ना, बहुत जुनूनी है, बड़े अपने ऊपर भरोसा है उनको, है ना, उनको लगता है कि क्लास में सर ने एक बार पढ़ा दिया अब तो मेरे याद हो गया, ऐसा कि हम चौथा साल एग्जाम लिखेंगे तब भी याद रहेगा, है ना, बहुत ज्यादा जुनूनी है वो। तो फिर भी उनको बता देते हैं कि बाबू साहब, भाई साहब, ऐप निकाल लो, जब कभी तुम्हें रीराइट करना पड़े एक बार और समझ लो, नोट्स लिख रहे हो लिख लो वहां पर कि इसमें सर ने 45 मिनट 30 सेकेंड से लेके 52 मिनट 30 सेकेंड के बीच के स्लैब में ये बात समझाया था, क्या लिख सकते कि नहीं, अपने आपके पास दो ही चीज है ना, 8 किताबें हैं और आपका अपना लिखा हुआ नोट्स है, अब तो नोट्स में लिख लो साइड में कि ये डिस्कस हुआ 59 मिनट्स में, ये डिस्कस हुआ 36 मिनट्स में, यहां से यहां के स्लैब में ये बात डिस्कस हुआ है, यहां से कि क्वेश्चन उठ सकता है, आ सकता है, तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। ये हमको यही है तरीका, प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पर खोजिए, टाइप कीजिए अशोका सिविल सर्विसेज, ऐसा सिंबल बना हुआ जो आएगा उसको खोज लीजिए, खोज के इसको इंस्टॉल कीजिए, यहां पर आएगा वर्ड इंस्टॉल, यहां लिखा रहेगा इंस्टॉल, यहां कैंसिल नहीं रहेगा, इंस्टॉल, अब इंस्टॉलिंग हो रहा है, 86% 100% इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद आपका ये आ जाएगा अनइंस्टॉल, मतलब कि आपका इंस्टॉल हो चुका, तब आपको ऐसा कुछ खुलेगा थोड़ा देर के बाद, कब खुलेगा, जब आप जाएंगे वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन में नेम लिखना होगा, किस नाम से आप जाना जाना चाहते हैं वो नाम लिखिए, क्या मोबाइल नंबर है वो लिखिए, ताकि मोबाइल में आपको OTP आ सकता है, क्या ईमेल एड्रेस है वो ईमेल लिखिए, और पासवर्ड वो लिखिए जो पासवर्ड किस शेयर करने की जरूरत नहीं है आपको,
मतलब कि आपका ओरिजिनल है कि बैंक का पासवर्ड दे दीजिए, ओरिजिनल ईमेल दे दीजिए, लिख दीजिए कुछ भी लिख दीजिए, पटना 123 मतलब 8 डिजिट का, अपने अपना नाम 123 जो लिखना है लिख दीजिए, कोई नया पासवर्ड जो आपको रेडीली याद रहे। उसके बाद आई अग्री विद द टर्म कंडीशन, रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद फिर दिखेगा 100 रुपये और पे कीजिए, 100 रुपया पे कीजिए, तो 100 रुपये आप पे कर दीजिए, फोन पे से होगा, ऑनलाइन बैंकिंग से होगा, उसके बाद वो ऐप आपको मिलेगा। लेकिन वहां एक कैच होगा, वहां देखेगा पे 100 रुपीज अगेन, तो वो नहीं कीज करना है आपको, फिर रिफ्रेश करना है, पीछे जाना है, बैक जाना है, तब आपका वो ऐप खुलेगा। यहां पर ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नहीं करते ही आपको इस तरह का आएगा, आएगा उसमें लिखा रहेगा व्यू कोर्स, क्या लिखा रहेगा व्यू कोर्स। व्यू कोर्स में क्या करना है, रिकॉर्डेड, किसमें जाना, लाइव से चल नहीं रहा है, कहां चल रहा है, रिकॉर्डेड में। रिकॉर्डेड में आपको जो वीडियो देखना है वीडियो देखिए, देखने के बाद आप पहला पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां उस वीडियो से 10 क्वेश्चन आएंगे। अभी तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन आ रहा है, अब हम आगे करेंगे, एक दिन बाद डालेंगे, 10 क्वेश्चन उसी वीडियो का आएगा, आएगा उस 10 क्वेश्चन को टिक लगाइए, अगर क्लास छूटा है तो CDRX करके टिक लगाइए खुद से, अगर मान लिया कि देख लिया CDRX करके, उसके नीचे में उसका एक्सप्लेनेशन भी आंसर होगा, उसे टैली कर लीजिए, तो आपका वो क्लास छूटा भी अगर यहां पर है तो क्लास आपको मिल जाएगा, है ना, एक दिन बाद मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि उस दिन नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए रहेगा कि आपको फायदा होगा, अभी हम 100 रुपीज का चक्कर आपके लिए लगाएंगे, आपके लिए नहीं रहेगा, कुछ दिनों के अंदर में भी आपका ईमेल सब हम ले लेंगे पूरा डिटेल, जो 4 डिटेल होता है वो हम भेज देंगे ऐप डेवलपर को, वो आपको 45,000 वाले में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना, तो ट्रांसफर होगा मिनिमम कुछ चार्ज लेके, ताकि आपको हर महीना 100 का चक्कर खत्म हो जाए, साल भर के लिए आपका वो एक बार वैलिड हो जाए, ठीक है ना, वो हम कर देंगे, जल्दी ही कर देंगे, फाइनल स्टेज में बात है, हो ही जाना चाहिए, अभी फिलहाल इसको इस प्रोसेस से चलिए, एक महीना के अंदर में, जब सौ पे ही कर दिया है, एक महीना चलिए, एक महीना खत्म होते होते हम लोग इसके ऊपर में वर्कआउट कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा क्वेश्चन आ जा रहा है, क्वेश्चन आप लोग कीजिए, CDRX करने के बाद आपको क्या करना होगा, बिफोर सबमिशन आपको करना है ऐसे करके लाइन खींचना है, टाइप अटेम्प्ट रिजल्ट CDRX और यहां पर लिखिएगा टोटल, टोटल अटेम्प्ट 150 होगा और रिजल्ट जो होगा वो आपका यहां पर सामने में दिख जाएगा, यही होगा, ठीक है। चाहे तो पॉलिटी का अलग कर सकते हैं CDRX और न्यूज एनालिसिस का अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, दो पार्ट में CDRX लिख दीजिए ऊपर में, यहां पर पॉलिटी का 50 क्वेश्चन का है, यहां पर न्यूज एनालिसिस के 50 क्वेश्चन का है, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में क्लास शुरू कर देते हैं, टेस्ट जो है, ठीक है, ओके।